यानी अब मारवाड़ के कई सिपाहियों को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं चला। कैसे क्यों नहीं खुलकर कि आपको भी प्रताप ही बहादुर लगता? इतना बहादुर के जंग का नतीजा चाहे हार हो चाहे जीत, पर आपके नजर में जंग का सबसे असली जंगजू प्रताप ही। नहीं, वो अपनी फौज पे भी हमने गौर किया, सभी के दिल में प्रताप की बहादुरी के लिए इज्जत, हमारे लिए तो कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। ओ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जलाल? आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और पिछले कुछ महीनों में आपने जितना हासिल किया है वो कोई ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकता। हिंदुस्तान की हजारों को जमीन आपके कदमों के नीचे है और आप है कि इससे लोगों के जहन में हमारे लिए खौफ जरूर पैदा हो सकता है, लेकिन दिल ही दिल में इज्जत अभी भी लोग प्रताप की ही करते हैं। नहीं नहीं जलाल, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है खान बाबू कि तवारीख के पन्नों पर ही हमारे नाम के साथ खौफ और प्रताप के नाम के साथ इज्जत और तारीख लिखी जाएगी? क्या तवारीख भी हम एक कामयाब और चालाक सियासतदान ही मानेंगे, जंगजू नहीं? जलाल जलाल, हमारी बात सुनिए जलाल। साथियों, हमें ये युद्ध मिलकर लड़ना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़, जय सिंह जी। आप लोग जाकर तैयारी कीजिए। सौभाग्य देखिए हमारा गुरु, आप स्वयं यहाँ आ गए, अन्यथा हम आपके पास आज के युद्ध के लिए अंतिम दिशा निर्देश लेने आ ही रहे। और प्रताप, युद्ध शास्त्र, रणनीति, व्यूह रचनाओं के विषय में जितना आप जानते हैं उससे अधिक आपको बताने के लिए तो ज्ञान हमारे पास भी नहीं, किंतु हम यहाँ आज आपको अवश्य आपके शत्रु का एक नया दृष्टिकोण बताने आए। बताइए गुरु। युद्ध तो आपने बहुत लड़े को प्रताप, किंतु अन्य युद्ध में और इस युद्ध में अंतर, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में आपके सामने केवल आपका शत्रु ही नहीं होता, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी तो भी हो सकते हैं जिनका आप आदर सम्मान करते हैं। ऐसे में आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? ऐसी स्थिति में युद्ध करना आपका कर्तव्य बन जाता है। ऐसा युद्ध आपका एक कर्तव्य, आपका एक धर्म, और चाहे सामने आपके कोई भी हो वो आपके लिए तथ्य गौण हो जाता है। ऐसे में अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। नहीं कांपेंगे गुरुवर, कैसे कांपेंगे? आप होंगे ना हमारे साथ वहां? नहीं कोई पता क्या? नहीं तो हम आपसे कहने आए हैं, आए इस धर्म युद्ध में हम मारवाड़ की ओर से लड़ेंगे। गुरुवर, आप मारवाड़ की ओर से कैसे? आप तो जानते हैं ना कि वे अधर्म है, और आपने तो सदा धर्म का साथ दिया है गुरुवर। धर्म क्या है कुंवर प्रताप? धारण करने योग्य व्यवहार। धर्म कोई स्थूल सत्य नहीं, यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए समय, काल, स्थान के साथ धर्म का अर्थ और उसकी परिभाषा बदल सकती है। मारवाड़ ने आपको युद्ध के लिए चुनौती दी, आपका धर्म है उनके साथ युद्ध करना, और हमारा धर्म हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के ऋण अब हमारे ऋण, और हमारा धर्म है कि हमें अपने पूर्वजों के ऋण उतारने,
मारवाड़ के राजघराने ने हमारे पूर्वजों पर बहुत ऋण किए और हम मात्र अपनी स्वतंत्रता के कारण उन ऋणों से मुंह नहीं फेर सकते। परंतु गुरुवर, हम आपके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? मारवाड़ की ओर से लड़ना हमारा धर्म और मेवाड़ की ओर से लड़ना आपका धर्म। आप पे शस्त्र उठाते हुए हमारे हाथ नहीं कांपे और हम पे शस्त्र उठाते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। यही धर्म युद्ध है। जिस प्रकार आपने बाकी युद्ध में विजयी होकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा किया, उसी प्रकार इस युद्ध में भी विजयी होकर आप हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे। समझ गए गुरु, अब इस युद्ध में हमारे हाथ नहीं कांपेंगे। फिर चाहे हमारे सामने हमारे गुरु हरि क्यों ना जाए। विजय भव। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। जय एकलिंग जी। गुरुर्देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते हैं। तो क्या राज, अब एक और तिलक बाकी। ये विजय तिलक हमारी लाडली फूल करेगी। ये जो तिलक आप करने जा रही हैं, इस विजय तिलक का अर्थ होता है कि जब हम युद्ध भूमि में हो, शत्रु हमारे सामने खड़ा तो उसका सर काटते वक्त हमारी तलवार तनिक भी संकोच ना कर, फिर वो शत्रु चाहे कुंवर प्रताप ही क्यों ना हो। आप ये जानते हुए हमारा विजय तिलक कर, हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। ध्यान रखिए फूल, और व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। हमारा मन कहता है इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा वो सबके लिए कल्याणकारी होगा। चलते हैं।
क्या बात है फूल, कुछ कहना है? दादा, हमने बड़े दादा से एक वचन मांगा था कि वो इस युद्ध में कुंवर प्रताप का कोई भी अहित न होने दे। किंतु उन्होंने ये वचन देने से हमें स्पष्ट मना कर दिया। दादा, क्या आप हमें दे सकते हैं ये वचन? हमसे जो बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मैदान जंग तशरीफ ले जाएं? क्यों? क्या जरूरत है इसकी? जबकि आपकी शानदार सियासी चालों से यह तय हो चुका है कि राजपूताना की रियासतें एक दूसरे से लड़के मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर मैदान जंग में जाके अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत क्या है? वजह क्या है इसकी, बताइए। लुत्फ? मैदान जंग में लुत्फ? हाँ, एक चालाक और कामयाब सियासतदान के मानिंद नहीं, बल्कि ये जंगजू के मानिंद लुत्फ उठाना। और खान बाबा, जब हमने सियासत की बिसात पर ऐसी मोहरे बिठा दिए जिसमें मौजूदा जंग का नतीजा चाहे जो भी नहीं, फायदा हमारा ही होगा। और फिर इतनी शानदार सियासती दानिशमंदी दिखाने के बाद मैदान जंग में अपने ही दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए, कटते हुए, खून बहाते हुए, तड़पते हुए देखने का लुत्फ भी ना उठा पाए। आन बाबा, अपनी आंखों के सामने दुश्मन रियासतों की बर्बादी और अपने ख्वाबों की तामी, जब इन दोनों ही चीजों को एक साथ देखना हो तो फिर मैदान जंग से बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती। आप फिक्र मत कीजिए खान बाबा, जोर उतारना तो अब हमारा होकर ही रहेगा। मेवार के वीर सिपाहियों, एक बार फिर मेवार की आन को किसी ने ललकारा है। इस युद्ध में हमारी तरह आप में से कईयों को अपनों से युद्ध करना होगा। इस युद्ध के मैदान में आपके सामने हो सकता है कि आपका मित्र, आपका सगा, आपका संबंधी शत्रु के फेस में आपको मिल जाए। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना बहुत कठिन होता है और ऊपर से शत्रुओं का सैन्य बल हमसे बहुत अधिक है। इसलिए युद्ध के शुरू होने से पहले ही हम राणा उदय सिंह आप सबको एक विकल्प देते हैं। आप में से कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना अनुचित होगा, वो भी इसी समय इस युद्ध के मैदान से
वापस जा सकता है। उत्तम, अति उत्तम। तो ये आपका अंतिम निर्णय है, तो चलिए मेवाड़ के वीरों, दिखा दे मारवाड़ की सेना को कि कोई भी युद्ध सैन्य संख्या से नहीं बल्कि वीरता और साहस से जीता जाता है। एक लिंग की, एक लिंग की, एक लिंग की। जलाल, जलाल, तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ और हमारी मुगलिया फौज को तैयार करो, जल्दी फौरन। रावत जी, सेनापति प्रताप की टुकड़ी कहाँ है? हम युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं और उन्हीं की टुकड़ी हमारे साथ में नहीं। उत्तर दीजिए रावत जी। सेनापति प्रताप, आप देर से आए हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं। कारण बताइए। हुकुम। हम अपनी टुकड़ी के विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी सैन्य टुकड़ी इस युद्ध के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। कौन प्रताप, क्या है ये सब? हमें लगता है कि ये युद्ध अपारंपरिक युद्ध का स्वरूप ले सकता है, इसलिए हमने भी इसका सामना करने के लिए अपारंपरिक उपाय और उपकरणों को अपने साथ ले लिया। इस युद्ध में ये हमें उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम। खंबा गणी राणा जी, गणी खंबा। मैं पेमा, इन भीलों का सरदार। हम भी आपका साथ देना चाहते हैं इस युद्ध में मेवाड़ की ओर से। अपने वीर जवानों के साथ मिलकर हम भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहते हैं आपसे। हम भी लड़ेंगे आपके साथ। सरदार पेमा, अभी अभी आपने युद्ध में अपने वीर सैनिकों को खोया और हमने अपने मित्र और आपके वीर सरदार राणा खेता, उसके बाद भी आप हमारे साथ हमारे युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं? राणा जी, जिनके लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, उन पर फिर से युद्ध का संकट आए और हम भील जो हैं अपने जंगलों में चुपचाप बैठकर अपने मरने वालों का शोक मनाए, ये हो नहीं सकता राणा। स्वर्ग के सरदार राणा खेता की सौगंध है कि हम अपने शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उत्तम सरदार पेमा, अति उत्तम। हुकुम।
यदि आपकी अनुमति हो तो हम सेना के मुख्य सेनापति होने के नाते इन सभी वीर भीलों को अपनी सेना का केंद्रभाग देना चाहेंगे। अवश्य सेनापति प्रताप। जय भगवान। जय भगवान। हमारी रणनीति होगी। इससे पहले हम अपनी सेना से कुछ बातें करने की आज्ञा चाहेंगे। हमारे वीर सिपाहियों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास कि आप शत्रु दल की संख्या देख हम में से किसी के भी उत्साह पर कोई असर नहीं होगा। मत भूलिए कि हम मेवाड़ी हैं। हमारा एक एक सैनिक 100 के बराबर है। गोकुलदास जी, भला आपकी तरह कोई भाला फेंकने वाला होगा उस मारवाड़ की सेना में? याद कीजिए, आपके पिता ने हमारे महाराणाओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। शत्रु दल की सेना में हमें उन्होंने अपने भालों के जौहर हाहाकार मचा दी। उनका एक हाथ चला गया, किंतु साहस साहस नहीं गया। और उन्होंने आज फिर अपने एक लौते पुत्र को मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए किया। इसे कहते हैं वीरता की अविरल परंपरा। तो बोलिए गोकुलदास,
उन शत्रुओं को अपने बालों का जौहर दिखाने के लिए तैयार है आप? जय मेवाड़! 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 कैसे राज्य सेना के लिए भोजन बनाने वाला कैसे अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल से अश्वरोही दल का नायक बन सकता है? ये कोई केसरीनाथ जी की अद्भुत कहानी से सीखे। बोलिए केसरीनाथ जी, क्या आप तैयार हैं मुगलों को सहायता देने वाले शत्रुओं को दंड देने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? जय मेवाड़! 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 जब कमजोर सेना के सामने हमारी जैसी विशाल सेना खड़ी हो तो वो अपने डर और भय को छिपाने के लिए इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर उत्साहित करते हैं। क्या आपको भी ऐसे उत्साह की आवश्यकता है? ये मत भूलो कि आप सब मारवाड़ के शेर हैं। शेरों को कोई भय नहीं होता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें भयभीत होना है वो आपको देखकर भयभीत होंगे। आप लोग ये मत भूलो कि आज आप राजपुताने की सबसे शक्तिशाली रियासत मारवाड़ के लिए लड़ रहे हो। आप अपने राजा मालदेव सिंह के लिए, उनकी आन बान जान के लिए लड़ रहे हो। इस युद्ध में हमें खोना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ जीतना है ना है। और हम इस युद्ध को जीतेंगे। इसलिए हमारे वीर सैनिकों, इस रणभूमि में शत्रुओं पर टूट पड़ो और उनके सर काट डालो। जय युद्ध की घोषणा नहीं है। युद्ध से पूर्व कुंवर प्रताप आपको आदर पूर्व प्रणाम कर रहे हैं। युद्ध भूमि में युद्ध से पहले ऐसी शालीनता, वाह! राम सिंह, कुंवर प्रताप, इन पैतरों से आपके पिता के पाप नहीं धुलने वाले हैं। ये युद्ध तो होकर रहेगा क्योंकि मारवाड़ ने मेवाड़ का विश्वासघात भी देखा है और कायरता भी। अब कोई युद्ध कौशल हो तो वो भी दिखा दें।
राजा मालदेव, हम यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आए, आपकी तलवार की धार देखने आए हैं। एक बात याद रखिएगा, मेवाड़ के वीरों की तलवार जब एक बार उनके मयान से निकलती है, वो अपने शत्रु का रक्त किए बिना वापस मयान में नहीं जाती। याद रखिएगा ये बात। दोबारा बाण छोड़ो। उत्तम, अति उत्तम। हुजूर, मालदेव की सबसे बड़ी मुसीबत है वो आचार्य राघवेंद्र। जब तक वो उनके साथ है, प्रताप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राजा जी, कुंवर प्रताप ने अपने सैनिकों को अच्छा रक्षा अभ्यास कराया है, इसलिए तीरों की बौछार से कुछ नहीं होगा। हमें कोई अच्छा, कोई शक्तिशाली आक्रमण ढूंढना होगा, जैसे कि अश्वरोहियों का आक्रमण। संख्या में हमारे पास उनसे कहीं अधिक अश्व। लगता है आज प्रताप का गुरु राघवेंद्र प्रताप का लिहाज नहीं कर रहा है। अश्वरोही सेना, आगे बढ़ो, मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति को कुचल कर रख दो, आगे बढ़ो। और जब तक हम आदेश ना दें, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा।
को कुचल डालो। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है प्रताप अब आपको अपने मुट्ठी भर सिपाहियों की मदद से मारवाड़ के पूरे फौजी तूफान को संभालना है। अब बच के दिखा दिखा। सेनापति प्रताप, मारवाड़ ने एक बार फिर अपना शुरुआती दस्तावेज दिया है। क्या आपने इसकी अपेक्षा की थी पहले? यदि हाँ, तो योजना बताइए। हमारी अगली योजना दर पर इसके तीव्र प्रकाश से सेना का एक भाग चुन लिया जाएगा। कुछ नहीं देख पाए और इनका आगे बढ़ना थम जाए। उत्तम सेनापति प्रताप। उत्तम। सरदार सेना, आप अपनी भील टुकड़ी को लेकर आगे बढ़िए और जैसे ही शत्रु सेना हड़बड़ाती है आप उनको रास्ता रोक कर दीजिए। सेना का मुकाबला करने के लिए मेवाड़ ने एक छोटी सी सेना भेजी। लगता है वो सैनिक लड़ने नहीं आत्महत्या करने आ रहे हैं। अवश्य इसके पीछे कुंवर प्रताप की कोई युद्ध योजना। एक पैतरे नहीं देख सकते। सैनिकों,